वेलकम क्लास सिक्स सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, हम लोग अपना जो जो एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें अब सेपरेशन चल रहा है। सेपरेशन के मामले में हमने आपको बताया था कि कई तरह से, पिछले लेक्चर में बताया था। आज हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन के लिए हम एक फनल लेते हैं। एक बीकर लेते हैं और एक लेते हैं फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को हम इस तरह मोड़ते हैं, जैसे ये फिल्टर पेपर है, इसको पहले दोहरा करेंगे, उसके बाद इसको चार फोल्ड में मोड़ेंगे और इसको जब हम खोलेंगे तो ये भी फनल की शक्ल का हो रहा होगा, इस तरह का। इसको यहाँ रख देंगे। जब इसको यहाँ रख देंगे तो फिर इसमें हमारा जो मिक्सचर है, जो जिसमें कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वाटर में या किसी दूसरे लिक्विड में, तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालेंगे अपने बीकर के ज़रिए, आहिस्ता आहिस्ता। जब इसको हम इसमें डालेंगे तो इस फिल्टर पेपर में इतने बारीक सुराख होते हैं कि उनमें से सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो पास हो सकते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल जब इसमें आएंगे, यहाँ जमा होंगे, तो वो फिर लिक्विड यहाँ आके जमा होने लगेगा और जो ये चीज़ जमा होगी इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ये तकरीबन 80% साफ़ होगा और जो फिल्टर पेपर है इसमें जो जमा रह जाएगा वो रेजिड्यू कहलाता है। इस तरह से हम बहुत आसानी से फिल्टर पेपर से चीज़ों को अलग कर सकते हैं और ये जो मेथड है ये फिल्ट्रेशन कहलाता है। फिल्ट्रेशन के बाद जो है दूसरा जो मेथड हमारे पास है वो है डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन का। बीकर में अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें लिक्विड के साथ कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जब हम इस बीकर को कुछ देर के लिए रखेंगे तो बॉटम में सेटल हो जाएंगे। जब ये बॉटम में सेटल हो जाएंगे तो जो लिक्विड है लिक्विड ये नीचे जमा हो जाएगा और लिक्विड जो है ऊपर की लेयर में रहेगा। ये सेडिमेंट है और ये लिक्विड है। अब इसको निथारना है तो आप आहिस्ता आहिस्ता, घरों में बहुत करते हैं ये, सुबह से शाम तक होता रहता है। दाल भिगोई, दाल के जो ख़राब चीज़ें हैं, जो हल्की चीज़ें हैं, वो पानी में ऊपर आ जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको निथारते हैं तो जो नीचे बैठ गया वो तो समझ लीजिए कि सेडिमेंट है, सेडिमेंटेशन है, इट इज़ इन द बॉटम। दाल तो नीचे बैठ गई और हल्की फुल्की चीज़ें, छिलके, ये वो दूसरी चीज़ें, ये वो तैर कर पानी में ऊपर आ जाते हैं, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता निथार लेते हैं तो निथारने से वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। ये निथारना ही जो है ये डिकेंटेशन कहलाता है। तो इस तरह से मिक्सचर को, ऐसे मिक्सचर को सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के मेथड से। एक चीज़ इसमें और इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं लोडिंग। कभी कभी हम देखते हैं कि सब्सटेंस जो है इनसॉल्युबल हैं
लेकिन वो बैठ नहीं रहे नीचे, बहुत देर तक आपने रखा उसको लेकिन वो चीज़ें सेटल नहीं, जैसे तालाब का पानी है उसमें मिट्टी घुली हुई होती है, आप उसको ले आइए बहुत देर तक वो जो पार्टिकल हैं वो सेटल नहीं होंगे, मतलब नीचे सेडिमेंट नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए उन पार्टिकल को लोड करना पड़ता है। तो आप बारीक एलम फिटकरी का पाउडर बनाएं और थोड़ा सा उसके ऊपर छिड़क दें, तो ये जो फिटकरी के पार्टिकल हैं ये उन डस्ट पार्टिकल या उन मड पार्टिकल के ऊपर सवार हो जाते हैं, उनको भारी बना देते हैं, भारी बनाते हैं तो वो सेटल हो जाता है। आप करके देखिए, तालाब का गंदा पानी लाइए किसी बर्तन में, साफ ग्लास में, और तो आप देखेंगे बहुत देर तक वो काले का काला बना रहता है या पीला बना रहता है, तो जब उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल देंगे तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो सारा जो मैल था उसका वो तो सब नीचे सेडिमेंट हो गया है, सेडिमेंटेशन हो जाता है उसका बिकॉज ऑफ लोडिंग। लोडिंग इज़ द प्रोसेस, पार्टिकल जो मड पार्टिकल हैं या जो मिक्सचर के पार्टिकल हैं उनको भारी बना देना, तो लोडिंग के ज़रिए फिर वो नीचे सेटल हो जाते हैं और सेटल होकर फिर ऊपर जो जो क्लियर लिक्विड रहता है उसको आप डिकेंट कर सकते हैं, डिकेंटेशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लोडिंग का भी है, एक तरीका है सब्लिमेशन का। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो जिनको अगर हम थोड़ा सा हीट अप करें तो वो, जैसे एक सिलसिला है सब्सटेंसेस का, इफ़ यू आर हैविंग सम सॉलिड और आपको हीट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फर्स्ट, और ज़्यादा उसको हीट अप करेंगे देन इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमेट करते हैं, सबलाइम होते हैं, जैसे जैसे कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, इनको गर्म करने पर ये डायरेक्टली वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं, यानी गैस में, यानी एक एक स्टेज जो लिक्विड की है उसको ओमिट कर देते हैं, उससे गुजरते नहीं। तो ऐसे सब्सटेंसेस अगर किसी चीज़ में मिले हुए हैं, मान लीजिए कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें इस तरह के सब्सटेंसेस मिले हुए हैं जो सब सप्लाई हो जाएंगे, तो उनको गर्म कीजिए तो वो डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाएंगे, और अगर इस गैस में तब्दील होते हुए इस सब्सटेंस को आप किसी फनल में उल्टी उल्टी करके एक फनल रख दें, उसमें ये गैस जो है जमा हो जाएगी और उसको अगर आप ठंडा करें तो फिर आपको वही सॉलिड हासिल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मटेरियल जो है डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैस में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड।